Ugly love shop. Посмотри, какая река. Оставить шуточки. Искать. Оставить смех. Уходим. अभी अभी मैंने अपने देश के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टेलीफोन पर बात की और हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप लोगों को जल्द से जल्द यहां से वापस इंडिया इवैक्यूएट किया जाए क्योंकि यहां के हालात हद से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अगले 12 घंटों में इस वक्त एम्बेसी में जितने परिवार मौजूद हैं उन सबको स्पेशल सिक्योरिटी कॉन्वॉयज में सुरक्षित यहां से एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। हमने बहुत ही मुश्किल से एक एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया है और यही एयरक्राफ्ट आपको यहां से न्यू दिल्ली लेकर जाएगा। सर, सर इस तरह से सब कुछ छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जिस कारोबार को खड़ा करने में 12 साल लगे हो उसे 12 घंटों में छोड़कर चला जाऊं? सर मेरी जिंदगी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सर अग्रवाल साहब, अगर जिंदगी रही तो मेहनत भी दोबारा कर सकोगे, लेकिन अगर यहाँ रुके तो शायद जिंदगी ही ना बचे मिस्टर अग्रवाल। लेकिन हालात सुधर जाने के बाद क्या हमें दोबारा यहाँ री एस्टैब्लिश किया जाएगा? वापस आ भी गए तो क्या सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा? इससे बेहतर यही होगा कि हम इस मुल्क को भूल जाएं। अरे बाप रे, ऐसे जगहों पर भूत रहते हैं। डरा दिया। यहां पे हर चीज इतनी बड़ी बड़ी क्यों? रात बिताने के लिए इससे बुरी जगह कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है लकी? 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 ओह माय गॉड, हाइपोथर्मिया, सो गई तो गई। लकी, उठो उठो, आंखें खोलो। गुड, सोने दो ना। लकी,
कि तुम्हें पता है कि तुम्हें मालूम है पता है हाइपोथर्मिया नहीं सोना चाहिए। देखो अगर आज तुम सो गई तो मैं जिंदगी भर नहीं सो पाऊंगा। उठो। जब से मिले हो या तो स्कूल कर कहते हो या डांटते रहते हो। लड़कियों से प्यार से कैसे बातें करते हैं ये तुम्हें आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? बहुत अच्छी तरह से आता है मुझे। कैसे? क्या कहते हो? हेलो, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद सो गए। चिल्लाना मत, ये लोग बुरा मान जाएंगे। Hands up, or I'll shoot you. Hands up. जीजू छोटा मामू मोटा मामू गया दिल्ली। दिल्ली से लाया चार कटोरी, एक कटोरी फूट गई, मामू की टांगे टूट गई। अबे साले कितना बड़ा हो गया। देख के लगता है दो दिनों से कुछ खाया पिया नहीं। आई एम पीडी, घर चले। लेकिन ये रशियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स क्यों? अब से 15 घंटों में यहाँ के एयरपोर्ट से आखिरी प्लेन टेक ऑफ करेगा। ऑर्डर आया है यहाँ रहने वाले सारे इंडियंस को दिल्ली भेजा जाए। मेरा दोस्त रशियन आर्मी में ऑफिसर है, उसकी बैटालियन थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो रही है। ये यूनिफॉर्म में हम भी बैटालियन का हिस्सा लगेंगे। और एयरपोर्ट पहुंचने का सबसे सेफ तरीका यही है। और पापा वो भी छोड़ कर जा रहे हैं। तुम्हें छोड़कर तब जाएंगे जब तुम वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंचोगी। और पिंडीदास कपूर के होते हुए तुम्हारे एयरपोर्ट ना पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भगवान बार बार चमत्कार थोड़ी देते हैं। बेटा किसी महान आदमी ने कहा है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। देखो तो सही, बेबी सरदार जी लग रही हैं आप। तो ठीक है, इसे लकी से लखन सिंह बना देता हूं। अब आप पंजाब द पुतल लग रही हैं। ये हुई ना बात। अरे Let's go, comrade. Shall we? यहाँ से 2 मील दूर उत्तर की दिशा में रेलवे स्टेशन है, वहीं से हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। रास्ता थोड़ा खतरनाक है, आगे बर्फीला समंदर, लेकिन हम अगर इस बैटालियन के साथ रहे तो कोई खतरा नहीं है। तुम लोग चुपचाप लेफ्ट राइट करते रहो, मैं आगे जाकर देखता हूं।
हेल टू सार्जेंट। हेलमेट कितना भी ऊपर कर लो, इस बटालियन में सबसे चिंटू ही रहोगी। भूख लगी है? ये क्या है? मीट। मैं नहीं खा सकती। क्यों? पाप लगेगा। क्यों? वेजी हूँ ना। खा लो, वरना हम ना वेजी रहेंगे ना जिंदा रहेंगे। Thank you.